रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर राजनीति जारी है। हिंसा के बाद बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मुत्रा ने हिंसा को लेकर बीजेपी के हिंदू खतरे में है वाले बयान पर निशाना साधा है। महुआ ने कहा कि बीजेपी ने रामनवमी के बीच हिंदू खतरे में है वाला राग छेड़ दिया है। ये सिलसिला 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। अपने ट्वीट में टीएमसी सांसद ने कहा, रामनवमी पर बीजेपी ने हिंदू खतरे में है की धारणा को पेश किया, ये 2024 तक चलेगा। पाकिस्तान पर हमला और भारत को निशाना बना रही विदेशी ताकतें इस बार धीमी गति से चल रही हैं। केवल फुल प्रूफ हिंदू कार्ड है। जय मां काली, बुद्धि दे मां, मेरे देश को बचाओ। हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी के दौरान निकाले गए जुलूस पर पथराव हुआ, जिसके बाद दो गुटों में जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद से दोनों पार्टियों का बंगाल में बयानबाजी का दौर जारी है। हावड़ा में इस वक्त स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा जिले के काजीपारा इलाके में स्थिति शनिवार को शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। इलाके में भारी पुलिस बल के बंदोबस्त के बीच सुबह से यातायात शुरू होने के कारण दुकान और बाजार खुल चुके हैं। हालांकि इंटरनेट कनेक्शन अभी भी बंद रखा गया है। हिंसा वाले इलाके और उसके आसपास सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। हावड़ा पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की रात छापेमारी जारी रखी और तोड़फोड़ में कथित संलिप्तता के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। हिंसा के दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जबकि कुछ पुलिस वाहनों सहित कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। 31 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि काजीपारा इलाके में हुई हिंसा के पीछे बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन हैं।